यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या फिर यदि सब्जेक्ट के रूप में कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो केवल इनके साथ आपको वाज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब प्रयोग करना है। इट मीन्स यदि सब्जेक्ट के रूप में वी या फिर यू या फिर दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो इनके साथ हमेशा आपको वर्ब प्रयोग करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस अदर वर्ड। जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वे सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो, उसके बाद इस स्ट्रक्चर की सहायता से प्रैक्टिकली किस तरह से आपको हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पहले आप इसे नोट कर लो। पहला सेंटेंस है मैं एकदम लाचार था, ठीक है। तो पहले यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है आई। अब जैसा कि आपको पता है आई के साथ आपको वाज प्रयोग करना है, ठीक है। अब आप देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, एकदम लाचार, ठीक है, क्वाइट हेल्पलेस। मैं एकदम लाचार था, आई वॉज क्वाइट हेल्पलेस। सीता गंभीर रूप से बीमार थी, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सीता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, गंभीर रूप से बीमार, सीरियसली इल। सीता वाज सीरियसली इल। मोहन बहुत सुंदर था, मोहन वाज वेरी हैंडसम। तुम बहुत मेहनती थे, यू के साथ आपको वर्ब प्रयोग करना है, ठीक है। तो यू वर, देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है यू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे हमेशा आपको वर्ब प्रयोग करना है, क्योंकि हिंदी वाक्य में तुम आप कहने से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, बट यू के साथ हमेशा आपको वर्ब प्रयोग करना है, ठीक है। तो तुम बहुत मेहनती थे, यू वर वेरी लेबोरियस। वह निष्क्रिय था, He was inactive. रानी बेरोजगार थी, रानी was unemployed. वे लोग साहसी थे, They were बोल्ड। भारत गरीब था, इंडिया वाज पुअर। मैं प्यासा था, आई वाज थर्स्टी। तुम लोग सुस्त थे, You were dull. वह मजबूत था, He was strong. वे निर्दोष थे, They were इनोसेंट। वे निर्दोष थे, दे वर इनोसेंट।
राजू व्यस्त था, राजू वाज, बीजी मैं चिंतित था, आई वाज, एनक्सियस, मैं चिंतित था, आई वाज एनक्सियस, वह बेचैन था, ही वाज रेस्टलेस, सीता नाराज थी, सीता वाज एनवाइड, वे लोग क्रुद्ध थे, दे वर एंग्री, वह जवान थी, सी वाज यंग, वह जवान थी, सी वाज यंग, वे बूढ़े थे, दे वर ओल्ड, हम लोग वहां थे, We were there. रीता यहां थी, रीता was here. यह काला था, It was ब्लैक, उसका बाल भूरा था, हिज हेयर वाज ब्राउन, सीमा पागल थी, सीमा वाज मैट, राजन कायर था, राजन वाज टिमिड, राजन कायर था, राजन वाज टिमिड। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।